हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सीजी बीएड प्रवेश 2021 के बारे में जानकारी दी गई है। सेकंड काउंसलिंग कैसे करना है, फर्स्ट काउंसलिंग के बाद सभी कॉलेज में कितना सीट वैकेंट है, कैसे चेक करें, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। किनको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सेकंड काउंसलिंग के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसकी लास्ट डेट है 24 नवंबर। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सीजी बीएड की द्वितीय चरण के लिए पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फॉर्म जमा करने की तिथि है 18 नवंबर से 24 नवंबर तक। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या कॉलेज ऑप्शन में चेंज कर सकते हो। 24 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। द्वितीय चरण की प्रथम सूची दावापत्ति के लिए जारी कर दिया जाएगा 29 नवंबर को। 29 नवंबर से 30 नवंबर तक दावापत्ति कर सकते हो। द्वितीय चरण की प्रथम सूची जारी किया जाएगा 2 दिसंबर को। सेकंड काउंसलिंग करने के लिए आपको एससीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना होगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हो। यहां पे आपको मिलेगा बीएड थर्ड फेस 3 नवंबर से 24 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। क्लिक टू अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। पहले देखते हैं सेकंड काउंसलिंग कैसे करना है, उसके बाद डिस्कस करेंगे सभी कॉलेजेस में कितना सीट वैकेंट है वो कैसे चेक करें। यदि आपने फर्स्ट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करा चुका है तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। एप्लीकेंट लॉगिन से आप लॉगिन करके सेकंड काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो। यदि आपने इसके पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यदि आप पहले इसमें रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे आपको एप्लीकेंट लॉगिन पे लॉगिन करना है। देन वहाँ से आप अपना कॉलेज प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो। यदि फर्स्ट काउंसलिंग में आपको किसी भी राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है और यदि आप कॉलेज ऑप्शन भी चेंज नहीं करते हो तो आपको फीस देना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप कॉलेज ऑप्शन चेंज करते हो तो आपको लॉगिन करके कॉलेज ऑप्शन चेंज करने के लिए फीस पेमेंट करना होगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर एंड अपना पासवर्ड एंटर करके यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो। उसी प्रकार यदि आपने पहले इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। या उन लोगों के लिए है जिन्होंने इसमें पहले रजिस्टर नहीं किए हैं, चेकबॉक्स पर टिक करना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना स्थायी निवासी का राज्य सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद सेलेक्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। मोबाइल नंबर डाल के आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हो तो आपको एप्लीकेंट लॉगिन से लॉगिन करना है। यदि आपने पहले रजिस्टर नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं सीट वैकेंट कैसे चेक करें। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, लेटेस्ट न्यूज़ में मिल जाएगा 1020 वैकेंट सीट, इस पर आपको क्लिक करना है। देन इस टाइप से पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगा जहाँ पे वैकेंट सीट के बारे में जानकारी दी गई है, पूरे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम है, कॉलेज का नेम है, कोर्स का नेम यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर ऑफ सीट्स टोटल कितने सीट हैं उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, ऑक्युपाइड सीट कितना सीट उसमें फुल हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पे है। और यहाँ पे जो जानकारी दी गई है वो वैकेंट सीट के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ पे है गवर्नमेंट कॉलेज कांकेर, यहाँ पे बीएड में टोटल 25 सीट है जिसमें से 18 सीट फुल हुआ है, तो बाकी जितने बच्चे सीट हैं वो वैकेंट सीट होगा। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितना सीट वैकेंट है उसकी जानकारी यहाँ से आप दे सकते हो। अनरिजर्व में 1 सीट है, यू आर एफ मतलब ये अनरिजर्व फीमेल है, यू आर एफ एफ मतलब अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर, एफ जो है वो फीमेल कैटेगरी के लिए है, एफ एफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी के लिए है, और एक्स एक्स सर्विस मैन के लिए है। उसी प्रकार यहाँ से आप ओबीसी एससी एसटी सभी कैटेगरी में कितना सीट वैकेंट है उसकी जानकारी यहाँ से देख सकते हो। सभी कॉलेज की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कितना सीट वैकेंट है और कितना सीट उसमें भरा गया है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहाँ से अभी आप डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हो। सेकंड काउंसलिंग करते टाइम आपको यह ध्यान देना है, आपने जिस जिस कॉलेज को सिलेक्ट किया है वहाँ पे पहले आप चेक कर लीजिए कि सीट वैकेंट है या नहीं, तभी सीट वैकेंट होने पर ही आप उस कॉलेज को सिलेक्ट करें, तभी आपको चांसेस रहेगा वो कॉलेज मिलने का। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो। आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। Thank you for watching this video. Please subscribe and share.